नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं ये है भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी, जो अभी हम तो इस तरह से सबसे पहले घी से भगवान का अभिषेक किया जाए। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए भगवान तो हम लोग रूम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पिंकी मम्मी आगे निकल चुकी। तो फाइनली भगवान स्थापित हो चुके हैं मंदिर में और अब भगवान की हम आरती करेंगे। यहाँ पर मंदिर आरती भगवान के चरणों में चार बार कमर में दो बार और इसके पश्चात भगवान को तिलक ऑफर करके सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमने भोग जो था भगवान को अर्पित किया था इसमें मिक्स कर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होमस्टे ऑफिसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो जैसे कि आज रामनवमी है, आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकट दिवस श्री रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। तो असल में हम लोग कुछ दिन पहले जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी के विग्रह हम लेके आए थे। तो आज हम उनकी स्थापना अपने घर में कर रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, क्या पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हम स्थापना कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरे वीडियो को अंदर देखिए ताकि आप भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएं, एंजॉय कर पाएं। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। जय जगन्नाथ। ये है भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी, जो अभी हम श्री जगन्नाथपुरी धाम से लेकर के आए हैं। तो अभी हम भगवान का अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें पहले आचमन किया जाता है। आचमन के बाद में अपने आचमन से अपने आप को शुद्ध करने के पश्चात जो अभिषेक की विधि है उसको हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले भगवान को जल से स्नान किया जाएगा और कॉटन से भगवान को साफ करके, उसके बाद जो हमने अभिषेक के लिए जो चीज़ें तैयार की हैं, जैसे इसमें घी है, शहद है, दूध, दही और गंगा जल और साथ में कुछ शक्कर इसमें हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो सबसे पहले भगवान को हम जो कॉटन है कॉटन से सफाई करके भगवान की अभिषेक की क्रिया विधि को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले घी से भगवान का अभिषेक किया जाएगा और उसके पश्चात जैसे पहले जगन्नाथ जी का, फिर सुभद्रा महारानी का, फिर बलराम जी का और अंत में सुदर्शन जी का। तो इस तरह से सभी का एक के बाद एक जो हमने द्रव्य बना रखे हैं, इन द्रव्य से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और ये द्रव्य जो हैं एकदम शुद्ध जो बर्तन हैं, बिल्कुल हमने फ्रेश बर्तन हमने इसमें भगवान के लिए निकाले जो भी अनयूज्ड हैं और स्पेशली सिर्फ भगवान के लिए ही यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि वो जूठे बर्तन को भगवान के लिए यूज़ करना सही नहीं है। और वैसे तो भगवान के लिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको यूज़ करना ज़्यादा उचित समझा जाता है और शुद्ध भी होते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं, तो हमने जो स्टील के नया सेट था उसी से हम लोग भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो जो भी हमसे जैसे जिस तरह से भी बन पाएगा उस तरह से हम लोग भगवान का अभिषेक कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं दही से भगवान का यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है अभी। अब यहाँ पे मम्मी जो है अभिषेक कर रही है। तो ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों से हम सभी जितने भी सदस्य हमारे परिवार के यहाँ पर मौजूद हैं सभी से हम अभिषेक करवाएंगे। ये मेरी ताई जी हैं, इनको पहले आचमन करा करके, आचमन से इंसान अपने आप को शुद्ध कर सकता है। तो शुद्धिकरण होने के पश्चात इनसे भी हम अभिषेक कराएंगे। तो जितने भी द्रव्य हैं उनमें से एक एक द्रव्य से हम अभिषेक कराएंगे। ये हमारी छोटी ताई जी हैं, वो भी अभी अभिषेक कर रही हैं शहद के साथ में। और ये हमारी भाभी जी अभी अभिषेक कर रही हैं। और ये मेरा कजिन संजय जो है वो अभी अभिषेक कर रहा है। अब एंट्री होती है पल्लू रानी की। पल्लू को हम आचमन करा करके पल्लू से अभिषेक कराएंगे। पल्लू को हम शहद से अभिषेक करवा रहे हैं। अब नंबर आता है काजल का, जिसे हम कबीर बोलते हैं। कबीर जो है यहाँ पे घी से अभिषेक कर रही है। और अब नंबर आता है माधव का, माधव भी जो है भगवान के अभिषेक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अब नंबर आता है छोटे कृष्णा का, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं भगवान के अभिषेक में। फाइनली सभी का अभिषेक होने के पश्चात पिंकी आ चुकी है। पिंकी को आचमन करा करके शुद्धिकरण करके पिंकी से अभिषेक कराया जाएगा। और अब आप देख सकते हैं पिंकी को हम लोग अभिषेक करा रहे हैं। पिंकी जो है दूध के साथ में अभिषेक कर रही है। और अब आखिर में जितने भी हमारे पास द्रव्य बचे हैं सभी से हम भगवान का अभिषेक एक साथ में करेंगे, क्योंकि सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया अभिषेक में। सारे द्रव्यों से अभिषेक होने के पश्चात भगवान का गंगा जल और जल से अभिषेक किया जा रहा है। तो द्रव्यों से अभिषेक होने के पश्चात भगवान का जो है शक्कर से सारे द्रव्यों को और कॉटन के साथ में उसको जो भी चूर्ण है उसको निकाला जाता है। भगवान का अभिषेक हो चुका है, उसके पश्चात हम भगवान को एक सूखे कपड़े से बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके भगवान का ड्रेसिंग करेंगे। और अब भगवान को हम वस्त्र पहना रहे हैं। भगवान जी जो जगन्नाथ जी हैं उनको पीताम्बर वस्त्र धारण किए जाते हैं, क्योंकि भगवान को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है। और भगवान का एक नाम पीताम्बर भी है, जो पीले वस्त्र पहनते हैं उसे पीताम्बर कहा जाता है। तो भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे। यही भगवान बलराम जी जिनको नीले वस्त्र बहुत पसंद है, तो नीले रंग के वस्त्र भगवान बलराम जी को यहाँ पे पहनाए। सुभद्रा महारानी जो कि भगवान की बहन है और माता दुर्गा भी हैं, तो उनको लाल रंग पसंद है, इसलिए उनको लाल रंग के वस्त्र हम लोग पहना रहे हैं। भगवान को वस्त्र पहनाए जा चुके हैं, भगवान को हम मुकुट धारण करा रहे हैं। तो हमारे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तीनों तैयार हो चुके हैं। अब हम उनको लेकर के चलेंगे अपने घर के अंदर वाले मंदिर में। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए भगवान कभी पावन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन कीजिए। तो अब हम चल रहे हैं घर के अंदर के लिए। मम्मी जो है भगवान बलराम जी को लेकर के चल रही है, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं तो उनको पहले स्थान दिया जाता है, वो पहले आगे चलते हैं। और पिंकी जो है सुभद्रा महारानी जी को लेकर के चल रही है, और साथ ही साथ में मैं भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर वाले मंदिर में, जो हमारा घर का अंदर का मंदिर है, वहाँ पे हम भगवान को स्थापित करेंगे। तो हम सभी लोग चल रहे हैं, ये सीढ़ियों से हम लोग अपने घर के प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारा पुराना घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये मम्मी भगवान बलराम जी को, पिंकी सुभद्रा महारानी जी को, और मैं भगवान जगन्नाथ जी को साथ में लेकर के चल रहा हूँ। तो हम लोग रूम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पिंकी मम्मी आगे निकल चुकी है और पीछे मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा मंदिर है, यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं इस तरफ, ये सामने हमारा मंदिर है, ये हमारा घर का मंदिर है। यहाँ पे हम भगवान को विराजित कर रहे हैं, भगवान को स्थापित कर रहे हैं। तो ये हमने आसन यहाँ पे भगवान के लिए तैयार किया हुआ है, जिसमें तीनों भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी तीनों यहाँ पे विराजित इसमें किए जाएंगे।
तो फाइनली भगवान स्थापित हो चुके हैं मंदिर में और अब भगवान की हम आरती करेंगे यहाँ पर। पंचरात्रि विधि के अनुसार जो है आरती में सबसे पहले शंख ध्वनि की जाती है 3 बार और उसके पश्चात आरती प्रारंभ की जाती है। तो हम लोग भगवान की मंगला आरती यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि मंगलाचरण से ही भगवान की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम भगवान को स्थापित करने के बाद अपने मंदिर में पहली शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। भगवान की जो मंगला आरती है जो इस्कॉन में विवाह वरी की आरती है जैसे उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान को अगरबत्ती से आरती की जाती है, उसके पश्चात जो है भगवान को घी लैंप या दिए जो है वो भगवान को ऑफर किया जाता है। दिया भगवान के चरणों में 4 बार, कमर में 2 बार और मुखमंडल में 3 बार, उसके पश्चात पूरे विग्रह में पूरे शरीर में 7 बार घुमाया जाता है। ये पंचरात्रि विधि के अनुसार ये विधि रहती है। और अब भगवान को ताजे ताजे पुष्प हम लोग अर्पित कर रहे हैं। आरती समापन होने के पश्चात 3 बार शंख ध्वनि की जाती है। आरती होने के पश्चात सभी को हम आरती दिखा देते हैं। सभी लोग भगवान की आरती ले रहे हैं। भगवान के प्रसाद के समान ये आरती है। 3 बार आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शरणा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन जगतामा गोपंगना चित्ता विमोदन समस्त गुण गण और इसके पश्चात भगवान को तिलक ऑफर करके सभी लोग तिलक को लगा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं तिलक लगा रहा हूँ उसके बाद और फिर बाकी सदस्यों को मैं तिलक लगा रहा हूँ। फाइनली हमारे भगवान जो हैं मंदिर में स्थापित हो चुके हैं और भगवान का अभिषेक भी हो चुका है और उसके पश्चात विराजमान है भगवान और भगवान को अभी हम भोग की तैयारी है। भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान आज हमने बना रखे हैं। वो भगवान को भोग लगाने के पश्चात हम लोग उसको भोग को सारे भोजन में मिला करके हम भी भगवान के प्रसाद को लेंगे। ये भगवान का भोग आ चुका है जिसमें कई सारे पकवान आज हमने बना रखे हैं। पिंकी ने सुबह से बहुत मेहनत की है पकवान बनाने के लिए। तो सभी पकवान तैयार हैं यहाँ पे जिसमें तुलसी पत्र रखा हुआ है। भगवान को बिना तुलसी पत्र के कुछ भी भोज्य पदार्थ अर्पित नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो उसके कुछ मंत्र होते हैं जिससे हम लोग भगवान को भोग अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए भोग अर्पण करना चाहिए, तो ये भगवान को हम अर्पण करेंगे। इसके पश्चात इसी को हम अपने भोजन में मिला करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगने के पश्चात अब हम लोग भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ये सारे सदस्य आप देख सकते हैं किचन में बैठे हुए हैं और सभी आनंद ले रहे हैं भगवान के भोज्य पदार्थों का, भोगों का और प्रसाद का। चलिए आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ में भगवान का प्रसाद। तो हमारा भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह स्थापना का जो कार्यक्रम है यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जगन्नाथ।